नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फूडी स्टैंड पे। मैं आ चुका हूँ जयपुर की पुरानी गलियों में और यहाँ पे हल्दी के रास्ते पे, हल्दियों का रास्ता फिलहाल मैं हूँ जयपुर में। चार गेट के अंदर है करोड़िया कचौड़ी भंडार। ये क्राउड देख लीजिए भाई। और यहाँ पर ये दोपहर का टाइम है, ऐसा नहीं कि मॉर्निंग का टाइम है। मॉर्निंग में तो आपको इतनी भीड़ मिलेगी कि दुकान आपको दिखेगी नहीं है। यहाँ पर सिर्फ 4 से 5 आइटम मिलती हैं। चलिए ट्राई करते हैं क्या ऐसा मिलने वाला है। कड़ी कचौड़ी है यहाँ पे प्याज कचौड़ी है, जो राजस्थान की स्पेशल डिशेज है ना वो यहाँ पे आपको मिलने वाली है। आइए चेक करते हैं। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा इस चैनल को। पूरी डिटेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। कचौड़ी का रेट आप देखेंगे 25-25 समोसा का है, प्याज की कचौड़ी भी है 35 रुपये की। तो 4-5 आइटम ही रखते हैं अपने पास। तो ये पहले आ गया, इनू रहता सर छोड़े। ओके, अच्छे तरीके से मिक्स करा जाएगा। और मिर्ची वड़ा इनका बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और ये रहे जो मिर्ची वड़ा और ब्रेड पकौड़े हैं, ये जाएंगे बेसन के अंदर। ये देख लीजिए, मिर्ची के अंदर जो है स्टफिंग रहती है आलू और मसाले की। कचौड़ी हाफ डन है, अब जैसे ही ऑर्डर आएंगे तो एक बार में इसको कंप्लीट डन करा जाएगा। और ये प्याज वाली कचौड़ी है। ये समोसे हैं जो कि बड़े ही फेमस हैं भाई करोड़िया जी के। इसके अंदर भी मसाले की स्टफिंग सब में सेम रहती है। और ये देख लीजिए भाई, बेसन की कोटिंग के साथ मिर्ची वड़ा जा रहे हैं तेल के अंदर। और यहाँ पे देख लीजिए भाई, जो मिर्ची वड़ा मैंने आपको दिखाया था इसके ऊपर बेसन की कोटिंग हो रही है और फिर ये जा रहे हैं सीधे कढ़ाई के अंदर। पूरी कढ़ाई है वही आपको भरते हुए दिख जाएगी और उससे जल्दी ख़त्म होते हुए दिखेगी। कचौड़ियों को पहाड़ बना के रखते हैं कि कस्टमर जैसे ही आए। और ये इनकी दाल वाली कचौड़ी सबसे ज़्यादा फेमस है गाइस। ये 15 दिन से ऊपर की इसकी शेल्फ लाइफ है, तो अगर आप इसको बाहर भी ऑर्डर करते हैं ना तो आप इसको इन्जॉय कर सकते हैं बिना ख़राब हुए हुए। तो पूरी कढ़ाई भर जाएगी, 100 से ज़्यादा मिर्ची वड़े एक बारी में बनते हैं यहाँ पे। तो इसको भी हाफ डन करा जाता है और फिर जैसे जैसे क्वांटिटी दोबारा चाहिए होती है तो दोबारा इसको कंप्लीट डन करा जाता है। सर ये हाफ डन फुल डन कब होते हैं? अभी साथ में हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा बढ़िया। बारी आ चुकी है ब्रेड पकौड़े की। ये भी आपको सेम मसाले स्टफिंग के साथ मिलेंगे। ब्रेड पकौड़े बनने तैयार हो चुके हैं यहाँ पे। आप देखेंगे सिंगल पीस ब्रेड पकौड़ा जो है वो आपको यहाँ मिलने वाला है 30 रुपीज़ का, बेसन की कोटिंग के साथ। अंदर सर सिर्फ आलू का मसाला रहता है, ठीक है। जो मिर्ची बड़े के अंदर मसाला रहता है वही वाला है। ओके, जैसे जैसे यहाँ पे कुछ चीज़ बन रही होती है ना, कस्टमर मानो कि खुशबू से अट्रैक्ट हो जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ का क्राउड बढ़ जाता है। टाइमिंग क्या है दुकान की भैया? 8 बजे रात तक, रात 10 बजे तक, सुबह 8 से रात 10 तक। और ये पूरे दिन बनते रहते हैं ऐसे? अच्छा, ये देख लीजिए हो रहा है कंप्लीट फुल डन ब्रेड पकौड़े और मिर्ची वड़े। लो फ्लेम पे इनको हाफ डन करा गया था और हाई फ्लेम पे इनको फुल डन करा जा रहा है। दोस्तों यहाँ तैयार हो चुके हैं अपने मिर्ची वड़े और ब्रेड पकौड़े। ये देख लीजिए भाई, बहुत अमेजिंग और बहुत ही कमाल की खुशबू आ रही है आलू के मसाले की फ्राई होने के बाद। तो चलिए ट्राई करते हैं और आपको टेस्ट करके बताते हैं। और गाइस ये देख लीजिए, समोसे भी बन रहे हैं यहाँ पे। तो हर चीज़ जो आपके सामने सामने बनेंगे आपके सामने सब होगी। दोस्तों यहाँ बन रहे हैं जयपुर के सबसे फेमस समोसे कचौड़ी और भाई जोधपुरी मिर्ची वड़ा। पहले देख लीजिए आप, इसमें कचौड़ी और समोसे हैं, बहुत ही अच्छी ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे बनते गाइस। और कड़ी कचौड़ी भी मैं आपको यहाँ खिलाने वाला हूँ जयपुर की। 70 साल पुरानी है दुकान करोड़िया जी की। विजिटर्स जितने आते हैं उससे ज़्यादा यहाँ पे लोकल कस्टमर आते हैं। जिसको लोकल स्वाद चाहिए राजस्थान का वो यहाँ पे विज़िट कर सकता है। और ये भाई समोसे तैयार हैं, बिल्कुल करार और खस्ता समोसा आपको यहाँ मिलेंगे। बहुत बढ़िया भाई, आप लोगों के कमेंट्स में आते हैं कि डीजल वाली कचौड़ी, डीजल वाले भटूरे, यहाँ आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलने वाला। यहाँ बिल्कुल साफ़ कढ़ाई, साफ़ तेल में। बेशक 70 साल पुरानी दुकान है लेकिन कस्टमर का पूरा ध्यान रखते हैं। Okay.
प्याज की कचौड़ी हो चुकी है बिल्कुल तैयार। इसको आप चटनी के साथ भी ले सकते हैं, चाहे तो कढ़ी के साथ भी खा सकते हैं। और ये देखिए भाई, कढ़ी के साथ आप समोसा भी ले सकते हैं, कचौरी भी ले सकते हैं, मारवाड़ी कढ़ी रहती है साथ में। बढ़िया, तो कढ़ी को कचौड़ी को क्रश करके ऊपर से कढ़ी डाली जाती है। ये दाल वाली कचौड़ी रहती है, ठीक है। एक प्याज कचौड़ी भी लगा दीजिएगा। वो किसका ज़्यादा बढ़िया लगती है, चटनी या फिर कढ़ी के साथ? चलो चटनी के साथ लगा दीजिए वो प्याज कचौड़ी, क्योंकि कढ़ी के साथ अपनी वाली कचौड़ी लगा लिए। और एक लेंगे मिर्ची बड़ा, या फिर चटनी हरी और लाल दोनों, एक मिर्ची बड़ा लगा दीजिएगा जी। चटनी डाल दीजिएगा। ये देखिए भाई, बिल्कुल फ्लफी सा मिर्ची बड़ा चटनी के साथ, बढ़िया। चलिए गाइस, ये तीनों चीज़ें इंजॉय करते हैं और आपको टेस्ट करके बताते हैं। चलिए भाई, प्याज कचौड़ी से शुरुआत करते हैं। ये मैंने चटनी के साथ लिया, आप चाहे कढ़ी के साथ भी ले सकते हैं। गर्मा गर्म बिल्कुल खस्ता, मानो अंदर प्याज का मसाला लिक्विड फॉर्म में है। इतनी गर्म गर्म कचौड़ी आपको मिल रही है और साथ में खट्टी मीठी चटनी अमेजिंग टेस्ट दे रही है। फिर आते मिर्ची बड़े पे। ओ बिल्कुल गर्म है यार, हर चीज़ यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश रहती है। खाना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि बहुत ही गर्म है। और चलिए हम टेस्ट करते हैं, आइए टेस्ट करते हैं। स्टफिंग के साथ इसका ज़्यादा मज़ा आता है, पर ये हमने चटनी डलवा के बिल्कुल गर्मा गर्म सर्व करवाया है। जितनी खस्ता कचौड़ी थी उतनी सॉफ्ट है मिर्ची वड़ा, अमेजिंग। अब ट्राई करते हैं उनकी कढ़ी कचौड़ी। मारवाड़ी कढ़ी का मज़ा अलग है, हल्की सी खटास है और बहुत ही अमेजिंग लग रही है। इसमें कोई चटनी ऐड नहीं करी है खट्टी मीठी, सिर्फ कढ़ी का स्वाद और कचौड़ी का स्वाद। सुपर टेस्ट और बहुत सिंपल टेस्ट है, बहुत बढ़िया।